जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। आज नवघर पुलिस स्टेशन में एसीपी शशिकांत भोसले जी के हाथों करीबन 10 चोरी की रिक्शा जो अलग अलग वक्त में चोरी हुई थी, उन रिक्शे को पुलिस स्टेशन से ही उन रिक्शे वाले को वापस किया गया। इसमें खास बात यह है कि इन्हें कोर्ट में नहीं जाना पड़ा, पुलिस ने ही वो सारे प्रोसेस को किए और इन तक वो रिक्शा पहुंचाया। जिन लोगों को रिक्शा मिला वो काफ़ी खुश थे। इसी तरह से 4 लोगों के मोबाइल भी गुम हुए थे, उसे भी पुलिस ने अपने ताबे में लेकर के और उसको भी इसी प्रोसेस के अंदर, यानी उनको भी कोर्ट नहीं जाना पड़ा और यहाँ से ही पुलिस ने उसे भी वापस दिया। 42,000 रुपये कैश एक चोरी हुई थी वो भी वापस दिया पुलिस ने। 3 महिलाओं का सोने का जेवर था वो भी पुलिस ने रिकवर करके पुलिस स्टेशन से ही वापस दे दिया। कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को ये सारा सामान लेने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, वकील खड़ा करना पड़ता था, कई बार जाना पड़ता था, तब जाके उनको कोर्ट के माध्यम से ये कहीं ना कहीं सामान रिकवर होता था। लेकिन नवघर पुलिस ने वो सारे प्रोसेस को करते हुए खुद से उन्होंने जो है ये सारे सामान को वापस किया। आइए जानते हैं इस मामले में एसीपी शशिकांत भोसले जी ने क्या कहा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 अक्टूबर को हमारे मीरा भाईंदर और सेवीरार पुलिस आयुक्तालय को पूरे 2 साल हो गए हैं। इस द्वितीय वर्धापन दिन के निमित्त से विविध प्रोग्राम्स हमने जनता के और पुलिस के बीच में का जो गैप है वो कम करने के लिए, जिसके अंदर रक्तदान शिविर हो, उनके लिए जो अलग अलग साइबर क्राइम है उसके बाद में जागरूकता हो, वाहतूक नियमों के बारे में जागरूकता हो, ऐसे विविध तरह के प्रोग्राम हमने रखे हैं। साथ ही साथ जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारा मुद्देमाल यह विविध गुनों में जो जब्त होता है वह रखा जाता है, इससे पुलिस स्टेशन का भी बहुत जगह ऑक्युपाई हो जाता है। साथ ही साथ वो मुद्देमाल जो है वह किसी गरीब की उपजीविका का भी साधन हो सकता है। जैसे कि आज जो हम कुल मिलाकर 18 मुद्देमाल वापस कर रहे हैं, उसके अंदर 10 रिक्शाएँ हैं जो हमारे रिक्शा चालक गरीब हैं, उनको खुद का रहने का घर बहुत छोटा है और पार्किंग उपलब्ध नहीं है, वह रिक्शा कहीं रास्ता किनारे पार्क करते हैं। तो ऐसे रास्ता किनारे पार्क किए हुए रिक्शा जो चोरी गए थे वह उन चोरों को हिरासत में लेके उनको सलाखों के पीछे भेजकर वह रिक्शा उनसे बरामद की थी नवघर पुलिस स्टेशन ने। और जो एक प्रोसेस है कि गुन्ना में जब चोरी हो जाने के बाद या फिर मुद्देमाल चला जाने के बाद जब्त किया जाता है तो वह कोर्ट से वापस लिया जाता है, लेकिन बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि जो फरियादी है उसको कोर्ट से खुद होके यह मुद्देमाल रिटर्न नहीं मिलता है, उसको इसके लिए वकील लगाना पड़ता है, वकील लगाने के बाद उसको भी कोर्ट में हाजिर रहना पड़ता है और साथ ही साथ उसको जो जाने आने का खर्चा है, वकील का खर्चा है, उसका जो खुद का वर्किंग आवर्स का नुकसान होता है, यह जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है उसको थोड़ा सा आसान करते हुए यह मुद्देमाल हम आज फौजदारी दंड प्रक्रिया के कलम 102 के तहत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई, इन्होंने इस बॉन्ड के ऊपर साइन करके इनको यह मुद्देमाल उसको स्वरूप न बदलने के शर्त पर वापस दे रहे हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया इस 18 मुद्देमाल में 10 यह ऑटो रिक्शा ही है, वापस इसमें 4 यह मोबाइल है जो कि कहीं चोरी हो गए थे। मोबाइल आप सभी को मालूम है कि आज कल एक जिंदगी का बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, उसके अंदर सभी अपने महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट्स हो, महत्वपूर्ण यादें हो और बहुत सारा डाटा, क्योंकि सभी का ईमेल भी मोबाइल से जुड़ा होता है, तो ऐसा बहुत सा महत्वपूर्ण डाटा जिसकी कोई वैल्यूएशन भी नहीं लगाई जा सकती ऐसा डाटा। साथ ही साथ एक चोरी के गुन्ने में जो 42,000 कैश चोरी हो गई थी फिरियादी की वह भी आज हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ 3 गुना में जो सोना चोरी हो गया था जिसके अंदर 2 चोरी के केसेस है और एक 498 जिसके अंदर जो महिला है उसका जो गहनाएं शादी में उसको मायके वाले उन्होंने दिए हुए थे वह भी हमारे पुलिस स्टेशन में जो जमा थे वह भी हम आज उनको लौटा रहे हैं और उनको पुलिस विभाग से एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा मिले, इसलिए यह आज प्रोग्राम रखाया गया है। अभी आज आपको पुलिस ने आपका जो ये सामान वापस हाँ। किया, क्या बोलेगा पुलिस? तो थैंक यू बोल रहा हूँ उसके लिए, धन्यवाद। कितना तोला सोना था? 2 तोला। सप्ताह 2 तारीख को हो गए चोरी हो गए।
और यहाँ से मिल गया रिक्शा? हाँ, वो बांद्रा इधर मिला, वेस्ट में मिला। तो नवगढ़ पुलिस स्टेशन के बारे में क्या बोलेंगे? वो लोग दुनके मेरे बहुत तय किया और यहाँ से ही रिक्शा दिया, यहाँ से रिक्शा दिया। क्या नाम है आपका और रिक्शा कब चोरी हुआ था, कैसे मिला? बाबूलाल शर्मा नाम है सर, आजाद नगर में 10 साल से रहते हैं। 50 दिन पहले चोरी हुआ था, सर लोग ने ढूंढ के दिया, बहुत मेहनत करके दिया, हम लोग भी मेहनत किए सर, धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन आपका रिक्शा के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़े, आपको यहाँ से ही मिला, तो इसके लिए पुलिस को क्या कहेंगे? धन्यवाद कहूंगा सर कि ऐसा हर जगह रहे, मतलब ऐसा सिस्टम सही रहे। हाँ, अभी क्या है, मेरा ऑटो जो था मैं विमल डेरी लेन पे लगाता था और वहाँ पे डेरी के वहाँ रोड पे लगाया था और मेरा गाड़ी 9 जुलाई को सुबह में 8-9 बजे चोरी हो गया था। फिर मैं पुलिस थाने में आया, अपने मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन में, उधर कंप्लेंट लिखवाया, सर ने कंप्लेंट ले लिया, अच्छी तरह से सपोर्ट किया मीरा भाईंदर के पुलिस स्टेशन में, बहुत सारा अच्छा खासा सपोर्ट किया, तो मतलब उन्होंने अच्छा मेहनत भी किया और मेहनत करने के बाद मेरा ऑटो 10 अगस्त को मेरे को मिला, ऐसा कॉल पुलिस स्टेशन में मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन से आ गया, आपका गाड़ी मिल गया। मैं पुलिस स्टेशन में आया, सर ने मेरे को बताया कि आपका गाड़ी मिला हुआ है, आप आके इधर हमको जो भी है मिलो करके, ऐसा बातचीत हो गया और बहुत सारा सपोर्ट किया कि जब भी कंप्लेंट देने को आया तभी सर ने अच्छी तरह से सपोर्ट किया और हमारा गाड़ी बहुत मेहनत करके ढूंढ के वापस लाया, बहुत हमको अच्छा लग रहा है और उसके लिए मैं पूरा मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मीरा भाईंदर के सबसे सस्ते क्लिनिक वी केयर में डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाए केवल 14,999 रुपये में, ईजी EMI फैसिलिटी अवेलेबल। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।